नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि बिहार सरकार जाति जनगणना करवा रही थी और उस पर पटना हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी। अभी भी पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। पटना हाई कोर्ट का अंतिम फैसला अभी आया नहीं है, लेकिन रोक लगाए जाने के विरोध में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उसे निराशा हाथ लगी है। और खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को लेकर बिहार सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया है, इसे अर्थहीन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे जाति आधारित सर्वे पर अंतरिम रूप के पटना उच्च न्यायालय के 4 मई के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की इस याचिका को निरर्थक बता दिया है, मतलब किसी काम की नहीं है। न्यायमूर्ति BR की पीठ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका आदेश पर अपना फैसला सुनाया है। तो बिहार सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। जाति आधारित सर्वे को लेकर पहले ही पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, जैसा कि मैंने बताया आपको। इस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी भी कर ली है और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निरर्थक बता दिया। कोर्ट ने कहा कि जब ये सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है और फैसला अभी सुनाया नहीं गया है, सुरक्षित रखा गया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आने का कोई मतलब नहीं है। तो अब पटना हाई कोर्ट के निर्णय पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बिहार सरकार ने 4 मई के पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरर्थक बता दिया है। तो अब देखना यह है कि जो जातीय जनगणना का मामला है क्या रुख लेता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जातीय जनगणना का आंकड़ा सामने आ जाता है तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा आरक्षण, और आरक्षण को लेकर बड़े बड़े आंदोलन भी शुरू हो सकते हैं। तो कई दलों की बेचैनी इसी बात को लेकर है, कई दलों की चिंता इसी बात को लेकर है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि जातीय जनगणना का आंकड़ा सामने आएगा तो जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनको आज तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिनको वाजिब हक नहीं मिला है, उनको हक मिलेगा, उनके लिए आरक्षण की मांग उठेगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की जाएगी। मोदी सरकार अभी नहीं बवाल चाहती है चुनाव के पहले, लेकिन विपक्ष चाहता है कि आरक्षण को लेकर बवाल पैदा हो, क्योंकि उसे हमेशा आरक्षण के मुद्दे पर फायदा होता रहा है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी लालू यादव ने आरक्षण के मसले को ही उछालकर महागठबंधन की तरफ से NDA का खटिया खड़ा कर दिया था। उस समय नीतीश कुमार भी लालू यादव के साथ ही थे। तो इस बार लोकसभा चुनाव के पहले लालू यादव एक्टिव हो गए हैं और आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा वो फिर से बना सकते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर करिए लोगों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।